कहीं न जाएगी, जो आग लग चुकी है बुझाई न जाएगी, जो आग लग चुकी है बुझाई न जाएगी। बेटा आप लोग रास्ते में मत बैठो, जरा साइड में बैठो। पकड़ ली मैंने जब जाली तुम्हारे आस्ताने की, मुझे फिर क्या जरूरत है कहीं पे आने जाने की, एक छोटी सी आदत है तुम्हारे ही घर आने की। बदल देते हैं मेरे होश तकदीरें जमाने की, बदल देते हैं मेरे होश तकदीरें जमाने की। मन कबते गौसुल आजम दस्तगीर पढ़ रहा हूँ, किबला रहीम बाबा से, शाकिर भाई से, और जितने भी मेरे सामने तशरीफ फरमा है, मैं आप तमाम से खास तवज्जो चाहूंगा। और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ऑर्गेनाइजर जनाब हमारे कुर्बान साहब अभी तशरीफ लाए हैं, और उनके साहबजादे सलीम साहब, मैं आपसे भी तवज्जो चाहूंगा। रहीम बाबा, मुश्किल की रग को मैंने बासा पकड़ लिया, वीरानियों से हटके गुलिस्तां पकड़ लिया, साहिल को छोड़कर रुखे तूफां पकड़ लिया, जब गर्दिशों ने मेरा गरेबा पकड़ लिया, तो मैंने जनाबे गौस का दामा पकड़ लिया, मैंने जनाबे गौस का दामा पकड़ लिया। सोहेल भाई, गैबी पर्दे में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, मुझको जो दुनिया वालों से जो मिलता है वो नुमाइश होती है, वो दिखावा होता है। दुनिया वाले जो देते हैं वो दिखा के देते हैं, लेकिन एक अल्लाह का वली जब देता है तो गैब के पर्दे से देता है, एक अल्लाह के वली से मिलता है तो गैब के पर्दे से मिलता है। इसलिए कहना है गैबी पर्दे में मिला, गैबी पर्दे में मिला, गैबी पर्दे में मिला, हक जलवे में मिला, हक जलवे में मिला, हक जलवे में मिला, गैबी पर्दे में मिला, कल के रिश्ते में मिला, हक जलवे में मिला, रब के रास्ते में मिला, मुझको जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, जो कुछ भी मिला गौस के सदके में मिला, सिलसिला जो चलता हुआ आया है यहाँ पर, जितने भी मुरीदैन हजरात बैठे हैं, मैं उनके लिए ये चार मिसरे पढ़ रहा हूँ। तवज्जो, रहीम बाबा जिनके भी पीर हैं, जितने मुरीद जो बैठे हैं, वो अपने पीर को देखें
और मैं क्या कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, इसका फैसला आप पर। हुके पर्दे में मिला आला रुतबे में मिला, नूरी बुरके में मिला, एक मुकबे में मिला, मुझको अल्लाह का पता पीर के जलवे में मिला। जो कुछ भी मिला गौस के सबके में मिला, गौसे आजम का करम है गौसे आजम का करम है, 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 गौसे आजम का करम है। बेशक हूँ मैं गुलाम शहे बे नजीर का करते हैं बादशाह अदब इस फकीर का करते हैं बादशाह अदब इस फकीर का। मुझ पे करम हुआ है ये मद कबीर का, मुझ पे करम हुआ है ये मद कबीर का, सदका मुझे भी मिल गया पीरा है पीर का, मुझे आजम का करम है। सब मुश्किलों को पल में पशेमान कर दिया नस्बत को आखिरत का निगहबान कर दिया नस्बत को आखिरत का निगहबान कर दिया ये सच है मेरी नस्ल पे एहसान कर दिया, ये सच है मेरी नस्ल पे एहसान कर दिया, ये सच है मेरी नस्ल पे एहसान कर दिया, बगदाद के सुल्तान ने सुल्तान कर दिया। होते आजम का करम है।
सहमत है आप भी, बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस बात से रहीम बाबा भी सहमत है और आप लोग भी सहमत रहेंगे। बिल्कुल 16 आने सच्चाई है, यह गौस की महफिल है, यह कादरी महफिल है। मैं 4 मिसरे देने जा रहा हूं महफिल में, तवज्जो के साथ जो कलाम के सुनने वाले हजरात हैं तवज्जो चाहूंगा। सीने में इश्क, सीने में इश्क आंखों में रंगे जलाल हो, सीने में इश्क आंखों में रंगे जलाल हो, सीने में इश्क आंखों में रंगे जलाल हो। ताजीम लाजिमी है अदब का ख्याल हो, ताजीम लाजिमी है अदब का ख्याल हो, सीने में इश्क आंखों में रंगे जलाल हो, ताजीम लाजिमी है अदब का ख्याल हो, ताजीम लाजमी है अदब का ख्याल हो। राहों में उनकी फूल के पल के बिछाएंगे, राहों में उनकी फूल के पल के बिछाएंगे, राहों में उनकी फूल के पल के बिछाएंगे। आंगन में मेरे गौस जो तशरीफ लाएंगे। जमाने वाले तुम्हें दस्तगीर कहते हैं, जमाने वाले तुम्हें दस्तगीर कहते हैं, तुम्हारी जात को रोशन जमीर कहते हैं, तुम्हारी जात को रोशन जमीर कहते हैं, जमाने वाले तुम्हें दस्तगीर कहते हैं, जमाने वाले तुम्हें दस्तगीर कहते हैं, तुम्हारी जात को रोशन जमीर कहते हैं, तुम्हारी तो रोशन जमीर कहते हैं। हर एक दोष वली पर कदम तुम्हारा है, हर एक दोष वली पर कदम तुम्हारा है, इसीलिए तुम्हें पीरान पीर कहते हैं, इसीलिए तुम्हें पीरान पीर कहते हैं।
इसीलिए तुम्हें पीराल पीर कहते हैं, इसीलिए तुम्हें पीराल पीर कहते हैं, इसीलिए तुम्हें पीराल पीर कहते हैं, इसीलिए तुम्हें पीराल पीर कहते हैं। रहीम बाबा, मैं भी खुश नसीब हो गया, सरकार गरीब नवाज के कर्म के साथ साथ सरकार गौसे पाक के कर्म ने भी भुला लिया। इस बार इस साल 11वीं शरीफ में सरजमीन बगदाद पे दरबार गौस की हाजिरी इस गुनाहगार को हासिल हो गई। मैं अब रहीम बाबा, वहां पर बहुत सारे तबरुकात मिलते हैं, तो खिलाफ का टुकड़ा भी मिलता है। अब जरा मैं ये चार मिसरे रखने जा रहा हूं। अब ये खिलाफ का खिलाफ सरकार गौसे पाक की मजार के खिलाफ का टुकड़ा अका हुआ, मैं चार मिसरे देने जा रहा हूं साहब, तवज्जो। तयारे पीर की खुशबू बदन में रख देना, दयार पीर की खुशबू बदन में रख देना, दयार पीर की खुशबू बदन में रख देना, दयार पीर की खुशबू बदन में रख देना, मुझे भी चश्मे शहे पंजतन 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 में रख देना। जनाब आप मुझे बताएं, जिन्हें गौसे पाक के दरबार से गिलाफ का टुकड़ा मिलता है वो लोग करते क्या है? कुछ लोग अकीदत के साथ उसको अलमारी में अंदर रखते हैं, अदब के साथ खुशबू में बसा के, कुछ लोग उसकी फ्रेम बनाते हैं, घर में दीवार पे लगाते हैं उस गिलाफ के टुकड़े की। अब एक दीवाना क्या कह रहा है, तवज्जो। तैयार पीर की खुशबू बदन में रख देना, तैयार पीर की खुशबू बदन में रख देना, मुझे भी चश्मे शाहे पंजतन में रख देना, मुझे भी चश्मे शाहे पंजतन में रख देना, मुझे भी चश्मे शाहे पंजतन में रख देना। क्यों इसका टुकड़ा बनाऊं मैं घर में क्यों रखूं, क्यों इसका टुकड़ा बनाऊं मैं घर में क्यों रखूं, क्यों इसका टुकड़ा बनाऊं मैं घर में क्यों रखूं, खिलाफ है गौस का टुकड़ा कफन में रख देगा। वजह आदम का कर्म है, 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 मुझको जो कुछ भी मिला गौसे के सदके में मिला, मुझको जो